नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू गीत संगीत पोल्ट्री बिहार चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है। ये देखिए, आपका नाम क्या हुआ सर? सर मेरा नाम प्रमोद कुमार राजभर है। जी जी, आपका सर? विजय बहादुर राजभर। कहाँ से आए हैं बता दीजिए। कानपुर देहात। कानपुर देहात से, आप लोग भी सुन लीजिए। अच्छा, ये आप किस उद्देश्य से आए हैं, किस लिए आए थे? अंडा लेने सर आए थे, और आपसे मिलना भी था सर। जी जी जी, हमसे मिलना भी था, अंडा भी था जी। तो आपको कैसा अंडा मिला? बढ़िया बढ़िया मिला हमको, बढ़िया अंडा मिला। देखे देखे और फार्म घूमे, फार्म भी घूमे आप। तो अगर जो आप लोग भी सोच रहे हैं कि मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आइए मेरे फार्म पर घूमिए। और अंकल जी हैं, इनके बच्चे ही हुए, आपका क्या नाम बताया? प्रमोद। हाँ, प्रमोद कुमार। और ये मेरे अंकल हुए, एक हम लोग भाई की तरह एक नाते से जुड़ते हैं, और कस्टमर की तरह हम नहीं देखते हैं। क्या सर, ऐसा व्यवहार कभी लगा? नहीं नहीं, कभी लगा? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। ऐसा ना लग रहा है कि हम डीलर से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं। एक दोस्त, एक फैमिली जैसे कि आदमी रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये कानपुर देहात से आए हुए हैं, और अभी इन्होंने मेरे यहाँ से हैचिंग एग लिया है। आप मशीन कहाँ से लिए थे? मशीन ये सुदामा जी के यहाँ, सुदामा जी के यहाँ से लिए थे, जो कि मसौड़ी से लिए थे। ठीक है। और आप लोग को भी अगर जो इनक्यूबेटर मशीन है और अंडा आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरे यहाँ आके ले लीजिए। मेरा नाम संगीत कुमार हुआ, गीत संगीत पोल्ट्री फार्म मेरा है। और जो दोस्त भाई लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको कहा सब्सक्राइब करें कहते हैं? हाँ कहते हैं। लाइक करें करें, मैंने फायदा है ना? हाँ, ठीक है ना? आदमी आप ठीक हो। होता है। हम तो 800 किलोमीटर से चल के आए हैं। ये कानपुर से देखिए, कानपुर 800 किलोमीटर देहात से चल के आए। तो पहली बात है सर कि लोग का एक व्यक्तित्व होता है, वो अच्छा होना चाहिए। हम बिजनेस के नजर से देखते हैं कि अपनापन के नजर से देखते हैं? अपने अपने से, एक भाईचारे के हिसाब से, भाईचारे की नजर से देखते हैं। तो जो दोस्त लोग हैचिंग मशीन बैठाए हुए हैं, वो अंडा उनको चाहिए, तो मेरे यहाँ सजेस्ट आप कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आ सकते हैं वो? हाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, ले सकते हैं। सर का व्यवहार बहुत बढ़िया है। जी जी जी। तो जो किसान भाई को अगर जो चूजा चाहिए, ऐसे तो हम इनको बोल रहे हैं कि हैचरी पर चलिए, चल के देखिएगा, लेकिन नहीं चल रहे हैं, इनके पास समय नहीं है उतना। तो आप मेरे को अगर जो चूजा चाहिए, तो आप मेरे लास्ट में नंबर दिया हुआ है, उस पर भी कॉल करके आ सकते हैं। असील मुर्गी की, देसी मुर्गी, कड़कनाथ मुर्गी, सभी तरह के चूजा मिलेगा, और आपको हैचिंग अंडा भी मिलेगा। आप आइएगा तो आपको फॉर्म भी दिखाएंगे, ट्रेनिंग भी दिखाएंगे, बताएंगे भी। और जैसे मैं कि अगर जो आप स्टेशन से उतरते हैं, तो हो सके हम लेने भी आ जाएंगे। तो क्या सर, आप लोग को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ सर, नहीं सर। खुद गए थे वहाँ, जहाँ बताए थे वहाँ से खुद अपने गाड़ी से लेके हम लोग को आए यहाँ अपने। जी 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 जी। तो ऐसा है सर कि आप लोग मुर्गा फार्म में गए थे ना देखने? हाँ देखे थे सर। सब जो मुर्गी है वो बिल्कुल स्वस्थ थी ना? बिल्कुल स्वस्थ, क्योंकि हैचिंग में ऐसा होता है सर कि अगर जो मुर्गियाँ स्वस्थ रहती है, तब आपको अंडे सही मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल सही था, सही। और अंडे का वजन है, सब देख लिया, अंडा भी, अंडा का वजन भी देखे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही होना चाहिए सर, बिल्कुल आप एक विश्वास जमा के रखिए कि आपके तरफ से कोई दिक्कत ना हो। यही विश्वास हम अपने सब्सक्राइबर को भी जाते हैं, पहले से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए थे, आज आए तो बता रहे थे, मिलके बहुत खुशी हुई। आप भी आइए सर, कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत है, मुर्गी फार्म, बकरी फार्म तथा पशुपालन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जाते जाते आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और जैसे मैं ये कानपुर से आए हैं, हम लोग 800 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी जाके अपने दोस्तों को बताइएगा। हाँ, सर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए बाय, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।